महाराष्ट्र में बीजेपी और अघाड़ी सरकार के बीच जारी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद अब अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं से बदला लेने की साजिश रच रही है। ये खुलासा पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। फडणवीस ने विधानसभा में अघाड़ी नेताओं की पोल पट्टी खोलकर रख देने का दावा किया है। पूर्व सीएम का आरोप है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के विशेष लोक अभियोजक बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पूर्व सीएम फडणवीस ने विधानसभा अध्यक्ष को एक 125 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग सौंप कर मामले की जांच की मांग की है। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की है। फडणवीस के इस खुलासे से महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया है। उधर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतीश पाटिल का जवाब भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी। उधर राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि वो इस मुद्दे पर विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का जवाब देंगे। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में अपने भाषण के दौरान कहा कि राज्य में हो क्या रहा है, राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। संजय कुंटे, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार जैसे महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेताओं के खिलाफ साजिश रची गई। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने अपना नाम भी लिया और कहा कि उन्हें नवाब मलिक द्वारा फंसाने की साजिश रची गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और अघाड़ी नेताओं की तल्खियां बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों ही शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी नेताओं का नाम लेकर कहा था कि अब बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें उन्होंने किरीट सोमैया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन पूर्व सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष को वीडियो क्लिप सौंप कर खेल का पासा पलट दिया है। वहीं फडणवीस लगातार नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रहे हैं, जिसको लेकर भी काफी बवाल देखने को मिला। फडणवीस और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी और शिवसेना के बीच घमासान और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।